बेटा तो तो मतलब देखा था मतलब हुआ नहीं फिर एक बार फिर से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन फटाफट पड़ से ट्राई करें सभी स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करें चलिए भाई तो हैव यू डन दिस क्वेश्चन और यू आर स्टिल ट्राइंग बताइए फटाफट से जल्दी जवाब दीजिए मुझे ट्राइंग ट्राइंग चलिए ट्राइंग तो घर पे भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर एट को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट करना ठीक है सो so, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो मैं आता है कि नहीं आता ओके okay. चलिए क्वेश्चन नंबर एट हेमस्फेरिकल वैसल है ठीक है ध्यान समझना एक हेमिस्फेरिकल ओके डू क्वेश्चन नंबर एट

डायमीटर स्पेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 दे रखा है ये आपको 8.5 दे रखा है ओके और इसका डायमीटर आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर गिवन गिवन है 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 और इसकी हाइट हाइट जो नेक की आपको एट सेंटीमीटर दिस इज एट सेंटीमीटर अब आगे आपसे पूछा गया है इज फुल ऑफ वाटर एंड टचेज बॉटम बॉटम को सॉरी बाई मेजरिंग कितना पानी ये होल्ड कर सकता है ये बताना है इट्स वॉल्यूम इज बताइए बाई मेजरिंग ऑफ वाटर इट होल्ड चाइल्ड ने जो वॉल्यूम मेजर किया है वो थ्री फोर्टी फाइव मेजर किया है तो आप बताइए क्या उसने सही से सही किया है कि गलत किया है बोलिए चेक कीजिए और फटाफट से मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट -फड़ से कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व उसको देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सिलेंड्रिकल नेक है तो पहले इसका कंडेंस फॉर्मूला बना के बताइए मुझे क्या फॉर्मूला होगा कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा सर, प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके हाँ तो फिर आगे Sir, फिर आगे वैल्यू पुट कर देना है। हाँ तो फिर करो कितना आंसर आ रहा है सर कर ओके okay, करो फटाफट -फड़ से मुझे बताओ <प्थ> स्पेयर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वैसल जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है तो सिलेंडर का वॉल्यूम के स्क्वायर का वॉल्यूम होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब सॉरी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच बताइए यहाँ पर मुझे आर सेम स्मॉल आर ले लू बताइए सेम स्मॉल आर ले, ले सकता हूँ नो सर नो सर क्यों नहीं ले सकते हैं डिफरेंट है दोनों का अलग अलग दोनों क्या, दिखोगे? को क्या लिख, सकते है? 17 upon 2? लिख सकते हो या नहीं तो so, ये जो डायमीटर हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो radius कितना हो जाएगा? 17 upon 4. Okay. Got it. समझ आया? यस सर सर एक सेकंड सेवेंटीन अपॉन फोर कैसा है रेडियस रेडियस आएगा बेटा रेडियस रेडियस जो होगा वो सेवेंटीन अपॉन फोर है ना अगर एट पॉइंट फाइव को क्या ले सकते हैं आप यस सर समझिए तो इसको आप रेडियस लिख सकते हो ओके okay? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर अपॉन थ्री आर की वैल्यू कितना दे रखा है सेवनटीन बाई 17 4 का का होल क्यूब प्लस प्लस कितना है One. One दे रखा नेक डायमीटर टू सेंटीमीटर है तो रेडियस वन हो जाएगा तो वन का स्क्वायर इंटू एट ठीक है हाइट इज एट सेंटीमीटर समझ में आ रहा है yes, अब कितना आएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन एक फोर से एक फोर कैंसिल अब 17 का क्यूब अपॉन कितना आएगा का क्यूब यू कैन राइट इट्स और ये तुम्हारा हो जाएगा फोर फोर था सिक्सटीन सिक्सटीन ओके प्लस एट ओके Got it? समझ आया सर yes, अब इसको सॉल्व करोगे कैसे बताइए बोलिए कोई तरीका इसको आसानी बनेगा मल्टीप्लाई क्यूब निकालोगे हम्म ये yes, सर तो कॉमन सर्विस में दिख नहीं रहा कोई कॉमन तो है नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं ना 17 into 17 into 17 है ना अपॉन 16 3 है 16 3 है तो ये एप्रोक्सीमेट वन टाइम्स कट जाएगा इससे ठीक है सर एग्जाम में हम एप्रोक्स कर सकते हैं क्या थोड़ा सा ले लो 1.1 कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा अब देखो 1. आ, ये दे रखा है आपको 17 तो 16 से इसको डिवाइड करोगे 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 वन 16 बताए कितना 1 ठीक है फिर डेसिमल लगाओगे जीरो अब भी नहीं पढ़ सकते फिर जीरो 100 तो 1.1106 तो अप्रोक्सीमेट जब इसकी थ्री फोर थ्री से मल्टीप्लाई होगी 17 का क्यू स्क्वायर कितना होता है सॉरी द स्क्वायर ऑफ सेवनटीन इज बोलो कितना होता है सर okay. so, की को करोगे किससे डिवाइडेड बाय इसको आपको पहले वन पॉइंट जीरो सिक्सोन पॉइंट जीरो सिक्स के बाद दो तो लगभग लगभग लग, कितना आंसर आएगा बोलो देखो सिक्स की तुम इसका छह गुना ले लो अंदाजे से अगर कर तुम करते हो तो बहुत ऐसा ऐसा ही रहता है थ्री सॉरी टू एट्टी नाइन की अगर आप वन पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आएगा आपका टू तो पूरा -पूरा एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका छह गुना है इसका छह गुना उसके दो दो बार डेसिमल लगेगा तो इसका गुना लगभग कितना होगा ये दो सौ तीन सौ के करीब समझ लो तीन सौ का छह गुना कितना होता है अट्ठारह सो ठीक है तो एटीन आ जाएगा दो डी डेसिमल लग के लगभग लगभग जो तो जो 289 है ना उसमें 18 प्लस कर दो मतलब 18 289 है ना तो 92 90 समझ लो इसे उसमें 18 प्लस करो कितना आएगा बोलो 803 तो 308 के करीब इसका आंसर आएगा ठीक है और उसके नीचे अभी भी क्या होगा थ्री और होगा थ्री और होगा तो थ्री से इसको डिवाइड करोगे तो विल गेट 102 ओके तो 102 प्लस 8 ठीक है ब्रैकेट में 22 57 तो ये हो जाएगा 110 110 10 की मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से तो कितना आंसर आएगा पाई में दे रखा था क्या वैसे दे रखा था बोलो जरा पाई में था आंसर क्या पूरा था सर आंसर तो 346 2346 था ना आंसर तो 2346 245 सेंटीमीटर क्यूब हां तो सही four, है six. सर 245 है ना थ्री फोर्टी फाइव है ना तो थ्री फोर्टी फाइव के मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा लगभग लगभग लग, लग. तो इस तरह से आप कैलकुलेशन uh, करके ना थोड़ा आसान कर सकते हो uh, जो बहुत क्या क्वेश्चन में, 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 में नहीं पाई नहीं, नहीं बोला ना नहीं आ, ऐसा नहीं होगा

अगर उसका थ्री फोर्टी फोर भी होता ना तब भी हम लोग थ्री 34... फोर्टी कह देते कि वो हमारा अगर अप्रोक्सीमेट मान करके थ्री फोर्टी फोर भी आता ना आंसर तब भी हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ उसका आंसर सही है थ्री फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पर जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि चलो ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल सारे घर पे ट्राई करना ठीक है अगर कोई सा नहीं होता है तो मुझे बताना ओके okay? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं मेटलिक दाइट ऑफ रेडियस रेडियस इज मेल्टेड एंड शेप ऑफ सेंटीमीटर फाइंड द सिलेंडर तो मतलब एक मेटलिक स्पेयर है उसको किसमें कास्ट कर दिया गया जब भी कास्टिंग वाला सिस्टम होता है तो क्या चीज कास्ट हो रही है मैटर मैटर कास्ट हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है तो जब भी मैटर फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा क्या चीज कॉन्स्टेंट रहती है बोलो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है क्या चीज कांस्टेंट रहती है बोलो वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सो so, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को इसमें भी कंडेंस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि किस तरह से जब निकालना होगा तो पूछा गया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितना होगा अगर स्पेयर का रेडियस दे रखा है और रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसकी शेप है वो 6 तो सेंटीमीटर कर लेते हैं सो so, यहाँ पर आपको जो स्क्र दे रखा है उसका, उसका जो सिलेंडर बनाया गया है उसका रेडियस कितना है बोलो सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ओके सो अब क्या करोगे हाइट बतानी है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दोगे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्क्र लिखना था आप लोग को फिर इस फॉर्मला लिखोगे फोर अपॉइन थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर बताओ ये आर और वो आर सेम है क्या अलग है ना तो ऐसा सेम लिख सकते हैं कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं और एच हम लोग को निकालना है तो पाई से पाई कैंसिल तो टू ये कितना फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ जल्दी बोलो फटाफट -फड़ से फोर पॉइंट टू इन फॉर्म कैन बी रिटर्न उट तो uh, okay? तो okay? no, तो आर, आर कितना आ जाएगा हमारे पास टू इंट सॉरी रखा है तो सिक्स इंटू सिक्स और हाइट आपको बतानी है अब क्या करोगे सिक्स इस को इसके नीचे नीचे ले जाओ फोर इंटू ट्वेंटी होगा कि नहीं होगा होगा सर ओके okay, तो अब हम लोग इसको थ्री से डिवाइड करते तो यहाँ पर सेवन इसको भी थ्री से डिवाइड करते हैं तो ये यह टू यहाँ पर सेवन इसको भी थ्री से डिवाइड करते, तो करते तो टू और ये सेवन ओके ये फोर से ये फोर कैंसिल

तो अब ये कितना हो गया है Thousand. तो एच इज इक्व टू कितना थ्री फोर्टी थ्री सेवन का क्यूब इन एट और कर लो उसके तीन बार डेसिमल लगा देना टू फोर्टी टू सॉरी एट फोर झा थर्टी टू थर्टी टू एंड टू थर्टी फोर थ्री कैरी एट थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एंड थ्री ट्वेंटी सेवन तो कितना आया टू सेवन कितना लिखा था ये मैंने हाँ ये तो फोर था और ये ट्वेंटी फोर हाँ थर्टी फोर 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 अपॉन थाउजेंड तो कितना जाएगा इट पीछे आंसर चेक करो कितना आंसर आ रहा है इतने सेंटीमीटर में आएगा बोलो कितना आंसर आ रहा है पीछे अच्छा 2.74 2.7 के 2.7 की 2.7 सेंटीमीटर हमारा कितना आ रहा है 343 तो मैंने एक बार मैं कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई कर लेता 343 हाँ तो तीन डिजिट बाय डेसिमल लगेगा ना तो सही है 2.7 ही आएगा लेफ्ट पर भी 2.7 यहाँ पर आप एक दो तीन थाउजेंड टू पॉइंट सेवन फोर सेंटीमीटर गॉट इट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन क्वेश्चन करो फटाफट से सर एक बार ट्राई करो खुद से सब में पाई कॉमन ले लेना फोर अपॉन थ्री कॉमन लेना और फिर 6 का क्यूब प्लस एट का क्यूब प्लस टेन का क्यूब इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा आर का क्यूब मतलब जब वॉल्यूम बराबर होता है तो सबका वॉल्यूम ऐड करना होगा तुमने सबको कास्ट किया और एक सिंगल स्पेयर में कन्वर्ट किया तो फोर अपॉइंट थ्री पाईआर क्यूब इसका फोर अपॉइंट थ्री पाई आर क्यूब इसका फोर अपॉइंट थ्री पाईआर क्यूब इसका फोर थ्री कॉमन आ जाएगा आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब इज इक्वल टू फोर अपॉइंट थ्री कैपिटल आर का क्यूब तो फोर अपॉइंट थ्री फोर अपॉइंट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ और इन यानी कि सिक्स का क्यूब होता है टू वन सिक्स एट का क्यूब होता है फाइव वन टू और थाउजेंड इन सबको ऐड करो और देखो किसका क्यूब बन रहा है किस नंबर का क्यूब आ रहा है

डन इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में फटाफट -फड़ से बताइए किसका क्यूब बनेगा बने तो बोलते क्यों नहीं स्क्वायर इतना होगा क्वेश्चन नंबर में रखा है उसकी मिट्टी निकाल करके उसके चारों तरफ ही फैला दी गई है ये एक कुआ है उसको खोदा गया इसमें जो मिट्टी निकली निकली उसका ही एम्ब्रेकमेंट बना दिया गया है to form a platform platform बना दिया गया है ठीक है form of platform of height इसकी ki find the height of the platform sir cuboid बनेगा हाँ, क्यूबॉइड बनाया उन्होंने और उसका क्यूबॉइड बनाया यहाँ पे इसमें अलग है ये वाला क्वेश्चन एम्ब्रेगमेंट बनाने वाला है तो इसका सिर्फ क्यूबॉइड बनाया है तो सिंपल सा है कि इसका वॉल्यूम जो आएगा सिंपल है कुछ नहीं है इसमें निकाल लोगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू

ठीक है अच्छा वहां पे ले लिया तो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ ट्राई करो सर एम्बैकमेंट मतलब एम्बैकमेंट मतलब इसके चारों तरफ ऐसे जैसे होता है ना कुआ कुएं के चारों तरफ जो एम्बैकमेंट होता है जिसके ऊपर चढ़ के कुएं से पानी निकालते हैं ऐसे होता है वहां से पानी निकालने का तो उसको एम्बैकमेंट बोलते हैं वो ऐसे सिलेंडर के अंदर मतलब होलो सिलेंडर की तरह समझ लो उसे तो कह रहा है अब वेल चलो इसको हम लोग करते हैं एक बार तो लिख लो जरा मुझे बता देना क्या क्या गिवन है द वेल अ वेल इज डायमीटर कितना दे रखा है तुम्हें थ्री डायमीटर थ्री थ्री मीटर डीप कितना है फोर्टी मीटर टेकन आउट इन मेंटली स्पेड या सर्कुलर विड विट कितनी है फोर मीटर ठीक है चलो तो अभी हम लोग करते हैं इसको ठीक है चलो तो कहाँ पे आएगा हमारा ये आ गया चलो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एम्बैकमेंट बनाना है तो कुआ हमारे पास कितना डीप है बोलो 40. कितना? 40. 40. मीटर फोर्टीन मीटर तो हमारा कुआ हो गया गहरा उसके चारों तरफ हमें क्या बनाना है एम्बैकमेंट बनाना है एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है है ना क्या लिखाना है यस सर हाइट निकालनी हाँ और वेट उसकी कितनी देर रखी एम्बैकमेंट की आ, फोर। चलो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से जब ये कुआ जो एम्बेकमेंट होगा वो ऐसे कुछ होगा हमारा ऊपर से हम लोग को ऐसे दिखाई देगा ठीक है जिसमें से ये हमारा वेल है इसका डायमीटर कितना गिवन है वेल का बोलो सर थ्री तो रेडियस कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव तो ये रेडियस हो गया वन पॉइंट फाइव कुए का ओके okay. और ये तुम्हारा कितना हो गया वन पॉइंट फाइव प्लस बोलो ये कितना है फोर है सर 5.5 आउटर रेडियस कितना, कितना होता तो कैपिटल r की वैल्यू कितनी है 5.5 स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बोलो 1.5 ये सर 1.5 हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आपको निकालनी है उसको मैं स्मॉल h मान लेता हूँ ठीक है ये तो हमारे पास आ गया किसके लिए इसके लिए अब बोलो अह अब आपको निकालना है वॉल्यूम अच्छा ये जो मिट्टी निकलेगी ये कहां से निकलेगी स्क्वायर से तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वेल वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ टेकन आउट फ्रॉम दॉल्यूम ऑफ दर्थ कुछ भी वेल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ द तो चलो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या होगा पाई आर स्क्वाच होगा तो पाई आर स्मॉल आर आएगा चलो इसको हम लो, चलो कैपिटल एच मान लेते हैं इसको कैपिटल एच वेल के लिए इज इक्वल टू पाई अब एच तो दोनों के लिए यानी एच तो इनर सर्किल यानी होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का होता है पाई है? है? Yes, तो अब यहाँ पर एच हम लोग लो को निकालनी है वॉली एच ली जाएगी क्योंकि हाइट ऑफ द एम्बेटमेंट जो होगा वो स्मॉल एच मान लेते हैं हम लोग दिस इज स्मॉल एच तो पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यों रखा है ऐसा

थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू फोर्टीन इंटू वन अपॉन थ्री समझ आया कैसे हुआ ये ये थ्री नीचे आ जाएगा गॉट इट ये वाला जो थ्री वन अपॉन थ्री करके लिख दिया मैंने थ्री थ्री से 3 को कट किया ये टू को सेवन से कट किया ट्वेंटी चेक करना ये आंसर है कि? इतना ज्यादा तो कैसे निकलेगा चेक करो कितना आंसर आया वन वन पॉइंट मिनट ना एक मिनट मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो यू कैन राइट हेयर वन पॉइंट फाइव

चेक करना सही से तो चेक किया गया बेटा pi r square h. तो फिर चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुई है किसी और ने भी चेक किया आंसर कितना आंसर आ रहा है अच्छा हमने कोई सेंटीमीटर मीटर में तो कन्वर्ट नहीं किया कुछ ऐसा हो ध्यान से देखो थ्री मीटर 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 में ही है सब सबने तो चेक किया बेटा यही आंसर है पूछ रहा हूं मैं बोलो रिदा आंसर तो भाई हमारा आ रहा है टेन पॉइंट फाइव कर लेता तो वैसे आंसर कितना आ रहा है वन पॉइंट वन पॉइंट वन टू फाइव 1.125 मीटर यस सर कौन से क्वेश्चन का चेक किया तुमने बोलो जरा क्वेश्चन नंबर बताओ सर फोर फोर थर्टीन पॉइंट थ्री का यस सर टेम्परेटर तो खैर ज्यादा हो रहा है लेकिन चलो फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं चलो एक बार फिर से So, यहाँ पर हम लोग को जो इनर डायमीटर गिवन है इनर इनर एक बार रेडियस चेक कर लेते हैं फटाफट फ़ड़ से। so, यहाँ पर आपको गिवन है सर्कुलर रिंग ऑफ वेट फोर फोर मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट फाइन हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट एम्बैकमेंट की हाइट बतानी है कितनी होगी सो so, इसी तरह से समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक वेल well है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल एम्बैकमेंट यानी इनर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 5.5 है और या आउटर का 5.5 पॉइंट फाइव सर वो आपने मिस्टेक किया सर सर यहाँ पे सर यहाँ पे आर स्क्वायर सर आपने आ, रेडियस नहीं लिखा है कहाँ पे मतलब सर

चलो कितना आएगा आप बोलो बोलो सर ट्वेंटी एट मतलब टू झा सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट हो गया ना ट्वेंटी एट टू ये टू पॉइंट टू फाइव होगा तो टू पॉइंट फाइव टू फाइव को 2.25 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो यू विल गेट 1.25 समझ आया यस yes, सर क्या बोलो चलो समझ आया सबको यस yes, सर तो so, आज आज मैं बहुत ट्रैवल करके आया हूं ठीक है तो आज आज के लिए शॉर्ट शॉर्ट क्लास रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे आगे फर्दर कोशिश करेंगे जितना आता है उतना प्रैक्टिस